हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर संजीव गुप्ता। हमने आपसे अपने पिछले लेक्चर में बात किया था एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन ए फ्लूइड, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस। तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया था। हमने यहाँ पे दोनों रिलेशन एक साथ लिखा हुआ है, दैट इज कैपिटल सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी पी अपॉन डी रो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन रो। जब हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स के लिए किया था कैपिटल सी इक्वल टू स्क्वायर रूट डी पी अपॉन डी रो, और जब हमने बल्क मॉडुलस का रिलेशन देखा था तो सी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपान रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने पहले ही कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लेक्चर में आपसे बोला कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक केवल फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं, ये आने वाला सब्जेक्ट जो आपका अगले सेमेस्टर में पढ़ाई करें गैस डायनामिक, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दैट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का मतलब होता है डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी डज नॉट कॉन्स्टेंट, मीन्स डेंसिटी आपकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू हमेशा आपकी वेरी करेगी। तो हमने पिछले लेसन में बल्क मॉडुलस में रिलेशन देखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ बल्क मॉडुलस। तो आगे नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, मैक नंबर एंड प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट प्रेशर वेव्स, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि तो जब हम डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स, तो इसमें कुछ डायग्राम्स हैं। जब आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखते हुए बनाएंगे बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, दोबारा बार बार रिपीट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। द थर्ड टॉपिक इसमें हमने लिखा दैट मैक नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक फॉर द फ्लूइड फ्लो। जनरली ये रिलेशंस यूज किया जाता है इन द केस ऑफ डायनामिक। तो हमने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे गैस डायनामिक, वहां इस सब्जेक्ट को फिर से, इस टॉपिक को फिर से आप रिपीट करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग माई टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं पी इंटू रो की पावर माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। हमने आपसे पहले ही बोला कि डेंसिटी आपकी वेरी करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर वेरिएबल। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी एंड रो, बिकॉज बोथ आर वेरिएबल्स, डिफरेंस दैट इज ये वर्क करेगा, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम डिवाइड करेंगे रो की पावर माइनस वन से, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग एंड सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस पी अपॉन रो डी रो प्लस डी पी इक्वल टू जीरो। आफ्टर वी नो दैट दैट इज पी अपॉन रो इक्वल टू आर टी, दैट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, या ऐसे भी ले सकते हैं पी वी इक्वल टू आर टी, दैट इज वी दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑलरेडी हमने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, तो हमने पी अपॉन रो इक्वल टू आर टी पुट कर सकते हैं। तो पी डी पी अपॉन डी रो इक्वल टू पी अपॉन रो इक्वल टू आर टी। वी नो दैट कैपिटल सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी पी अपॉन डी रो, पुटिंग द वैल्यू डी पी अपॉन डी रो वी फाइंड द डायरेक्ट सी द वेलोसिटी ऑफ साउंड स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन रो इक्वल टू आर टी। ये जो रिलेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। नाउ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, पी एडियाबेटिक मीन्स हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होगा, दैट इज के कॉन्स्टेंट, पी अपॉन रो पावर के इक्वल टू दैट इज कॉन्स्टेंट, पी पावर रो पावर माइनस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सेम वैसी है जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, यहाँ भी वही चीज है। पी और रो दोनों आपके वेरिएबल्स हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पी एंड रो। आफ्टर डिवाइडिंग रो की पावर माइनस के वी फाइंड द वैल्यू दैट इज डी पी अपॉन डी रो इक्वल टू पी अपॉन रो इंटू के, दैट इज वी नो दैट पी अपॉन रो इक्वल टू आर टी। हमने वैल्यू पी अपॉन रो की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया क्या आर टी, तो ये वैल्यू हो गई है डी पी अपॉन डी रो इक्वल टू आर टी के या के आर टी। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ डी पी अपॉन डी रो दैट इज कैपिटल सी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू डी पी अपॉन डी रो देन सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ की अपॉन टी। ये जो रिलेशन है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। मैक नंबर इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स दैट इज स्क्वायर रो ए बी स्क्वायर दैट इज टू द इलास्टिक फोर्स दैट इज के ए, रो ए बी स्क्वायर अपॉन के ए। अभी 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 हमने जस्ट रिलेशन किया कैपिटल सी, ये आपका बल्क मॉडल्स के रिलेशन आया था कैपिटल सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन रो। तो मैक नंबर एम इक्वल टू, हमने जब के अपॉन रो की जगह वैल्यू पुट कर दिया कैपिटल सी का, तो हमारे पास हो गया वैल्यू बी अपॉन सी, दैट वी वेलोसिटी ऑफ
अ फ्लूड या वेलोसिटी आर मूविंग इन ए फ्लूड, कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को हमने वी से नोट किया है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा तो हमारा वैल्यू किसकी है, कैपिटल सी से। नाउ द मैक नंबर एम इक्वल टू वी अपॉन सी, तो दूसरा डिफिनेशन हो सकता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैक नंबर को डिफाइन करने का दो तरीका हो गया है, इट इज द रेशियो ऑफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्लास्टिक फोर्स, या दूसरे तरीके से कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड या वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैक नंबर दैट इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर विकास भी दैट मीटर पर सेकंड, सी वैल्यू भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, डायमेंशनलेस नंबर हो गया। मैक नंबर द फ्लो इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज सबसोनिक फ्लो, जब एम की वैल्यू वन से कम होगा तो सबसोनिक वैल्यू होगा, सो जब आपकी एम इक्वल टू वन होगा अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ दैट इज कॉल्ड सोनिक वेलोसिटी, एम की वैल्यू यानी वी और सी दोनों इक्वल होंगे तो एम या एम इक्वल टू वन होगा तो आपका होगा सोनिक, एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन मतलब वी इज ग्रेटर देन सी जब आपका कहलाएगा सुपरसोनिक, और एम की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा आपका, हाइपरसोनिक। देर आर जनरली मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सबसोनिक सोनिक एंड सुपरसोनिक। नाउ द प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स, आपसे पहले स्टार्टिंग में इस लेक्चर में आपसे बोला था कि जब भी मैं आपको प्रेशर आप प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स के बारे में बात करेंगे तो आप अपना कॉपी पेन साथ में मेरे वीडियो के साथ यूज करिएगा। हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन यूज किया है, दैट इज सबसोनिक एम लेस देन वन, सोनिक दैट एम इक्वल टू वन, और एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन दैट इज सुपरसोनिक फ्लो। हमने यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है बनाने का तरीका होगा टूवर्ड्स राइट, हमारा चलने का लेफ्ट टू राइट, हमने यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दो वैल्यू लिया है, इस इन दोनों के बीच में फोर थ्री टू वन ये जो रिप्रेजेंट करता है सेकंड्स हैं, तो हमने ए को एज सेंटर जैसे पहले लिखा है कि एम लेस देन वन, एम लेस देन वन का मतलब हुआ कि वी की वैल्यू सी से हमेशा कम होगी। स्टूडेंट क्लियर, वी की वैल्यू या इस पॉइंट डायग्राम ए के लिए वी की वैल्यू सी से हमेशा कम होगी, यदि हमने वी इक्वल टू वन लिया तो सी इक्वल टू हमने मान लिया दो, वी इक्वल टू टू तो सी इक्वल टू फोर, वी इक्वल टू थ्री तो सी इक्वल टू सिक्स, एंड वी इक्वल टू यदि हमने लिया फोर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा एट, तो हमने यहाँ पे लिया वी इक्वल टू फोर और सी इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा एट, तो एज ए को सेंटर मान के फोर सेकंड्स का हमने एक फोर जीरो टू फोर या एक रेडियस लेके फोर ए को सेंटर माना, हमने फोर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा किया। सिमिलरली थ्री पॉइंट ए हमने थ्री को सेंटर माना, फिर दिन हमने थ्री मतलब वी इक्वल टू थ्री तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा सिक्स से, तो थ्री हमारा जीरो टू थ्री कितना होगा एज ए रेडियस, एज ए रेडियस हमने थ्री लिया, देन आपका सर्कल हमारा कितना हुआ सिक्स का ड्रा किया, देन आपका सेम जब हमने लिया वी इक्वल टू टू तो सी इक्वल टू फोर तो आपका जो टू होगा तो दैट इज रेडियस, वी टू टू होगा दैट इज रेडियस, देन वी टू वन हमने लिया वन वी इक्वल टू वन सी इक्वल टू टू बी टू वन दैट इज रेडियस हमने पुट किया, वन को सेंटर मान के एक हमने सर्कल ड्रा किया। तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा दैट इज हमारा क्या होगा, दैट इज सबसोनिक एम इक्वल टू वन, फॉर डायग्राम बी एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू वन एम लेस देन वन हुआ तो आपका हुआ सबसोनिक, एम इक्वल टू वन हुआ तो दैट इज सोनिक। यहाँ पे वी की वैल्यू जितनी होगी सी की वैल्यू भी सेम होगी, यदि हमने पुट किया वी इक्वल टू चलने का तरीका सेम हमारा टूवर्ड्स राइट मतलब ए टू बी लेफ्ट टू राइट, वी इक्वल टू सी सी इक्वल टू फोर, वी इक्वल टू सी मतलब वी इक्वल टू फोर सी इक्वल टू फोर, वी इक्वल टू हमने थ्री पुट किया तो सी इक्वल टू भी थ्री होगा, सिमिलरली टू टू वन वन, तो हमने एक वाज सेंटर रेडियस लेके एक हमने सर्कल ड्रा किया, सेम एज इट हमने थ्री को सेंटर लिया देन टू को देन वन को, तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा दैट इज सोनिक वेलोसिटी। इस कंडीशन में आप वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ आपकी मूविंग बॉडी और वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों की वेलोसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। दैट इज लास्ट वन, लास्ट अपना है दैट इज एम ग्रेटर देन वन दैट इज सुपरसोनिक वेलोसिटी। यहाँ पे हमने लिया माने यहाँ पे होगा वी की वैल्यू सी की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी, यदि हमने लिया वी इक्वल टू फोर तो सी इक्वल टू होगा टू, वी इक्वल टू हमने लिया थ्री तो सी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव, सेम एज इट टू वन वन एंड जीरो पॉइंट फाइव, जब हम एज ए सर्कल रेडियस सेम चीज हमने
बी टू फोर एक रेडियस लेके एक सर्कल रख किया, तो हमें इस तरह की वैल्यू एक डायग्राम बनेगा। क्लियर? जब आप जो पॉइंट्स दैट एक टेंजेंट खींचेंगे, दैट इज पॉइंट ये, दैट इज टेंजेंट है, जब आपको बी पॉइंट्स मिलेगा, सिमिलरली दोनों साइड से एक कॉनिकल शेप का डायग्राम बनेगा। तो यदि मैक नंबर का इफेक्ट इस डायग्राम के अंदर आया, दैट इज इनर सेक्शन में आएगा, तो कहलाएगा जोन ऑफ एक्शन। अगर आपको आउटसाइड होगा तो जोन ऑफ साइलेंस कहलाएगा। और हमने डायग्राम ये देखा, तो ट्रायंगल बी वन डी या वन बी डी, एक हमने ट्रायंगल लिया, तो जो ये एंगल बन रहा है दैट्स का मैक एंगल। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉप इसी पॉइंट्स में, दैट इज मैक एंगल। दिस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द मैक कोण, मतलब द एंगल अल्फा इज द नोज मैक एंगल ट्रायंगल वन बी डी। ट्रायंगल वन बी डी अकॉर्डिंग टू साइन अल्फा, वन डी अपॉन वन बी, वन डी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दैट इज सी, दैट इज हमने वन डी डिनोट किया, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज वी दैट इज वन बी। हमने वन डी जगह लिया सी, वन बी की जगह लिए पुट किया वी, देन वैल्यू आपको हो गई देन सी अपॉन वी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एम। जोन ऑफ एक्शन हमने आपसे बोला ये सिर्फ फंड होगा जब आपका वैल्यू होगी दैट इज फ्लो आपका होगा दैट इज सुपरसोनिक एम ग्रेटर देन वन। तो आपका डिस्टर्बेंस यदि आपका उस रीजन के इनसाइड होगा तो कहलाएगा डिस्टर्बेंस, यदि आपका इस डायग्राम के अंदर होगा तो आपको जोन ऑफ एक्शन, अगर आउटसाइड होगा तो क्या कहलाएगा जोन ऑफ साइलेंस। जो टॉपिक हमने अभी स्टडी किया उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं। इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है कैलकुलेट द मैक नंबर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, कई बार ये बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। मैक नंबर आपको फाइंड करना है, आपको जो दिया हुआ है वेलोसिटी फ्लाइंग की आपको वेलोसिटी दिया है 1100 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसको चेंज किया 305 mm मीटर पर सेकंड। आपकी टेम्परेचर दिया वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन में चेंज किया, के की वैल्यू दिया 1.4, आर की वैल्यू 287 जूल पर केजी केल्विन। तो हमने जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के आर टी, हमने पुट किया 343.11 मीटर पर सेकंड, तो वी की वैल्यू पता था, सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो वैल्यू पुट कर दिया, मैक नंबर मिल गया दैट वी अपॉन सी 0.89, दैट इज मैक नंबर, दैट इज डायमेंशनलेस वैल्यू। दूसरा न्यूमेरिकल मेरे पास है, हमने दैट इज आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट मतलब सीधा सा वेलोसिटी ऑफ किसी भी बॉडी का है, मतलब कैपिटल वी फाइंड करना है। मैक एंगल दिया है दैट इज अल्फा 30 डिग्री, आर की वैल्यू दिया है दैट इज कॉन्स्टेंट 287.14 जूल पर के जी केल्विन, के दैट इज एयर के लिए दिया है 1.4, टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी हमने इसको पहले केल्विन में चेंज किया, सेम फार्मूला होगा, कैपिटल सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के आर टी, के की वैल्यू 1.4, आर की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है, तो सी की वैल्यू 340.25 मीटर पर सेकंड। साइन अल्फा वी सी अपॉन वी, सी हमें निकाल लिया, अल्फा दिया हुआ, वी हम फाइंड कर लेंगे, वी इक्वल टू 680.50 मीटर पर सेकंड। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंप्रेसर फ्लो स्ट्रेंगुलेशन प्रॉपर्टीज, वैसे सारे पॉइंट्स सारे टॉपिक इसके सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर स्ट्रेंगुलेशन पॉइंट। क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे।